नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करियर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी के बारे में और जानेंगे कि आप विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और कितनी जमीन होनी चाहिए। और दोस्तों साथ यह भी जानेंगे कि यदि आप विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं विशाल मेगा मार्ट कंपनी के बारे में। दोस्तों विशाल मेगा मार्ट एक सुपरमार्केट कंपनी है जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपरमार्केट कंपनियों में से एक है। दोस्तों यह कंपनी इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है और यह कंपनी ग्रोसरी प्रोडक्ट और फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचती है। और दोस्तों आज इस कंपनी के साथ इंडिया के अंदर लगभग 7 से 10 हज़ार वर्कर काम कर रहे हैं और इंडिया के अंदर इस कंपनी ने अपने लगभग 145 से अधिक स्टोर ओपन कर रखे हैं। और दोस्तों कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहती है, इसलिए दोस्तों कंपनी अपने नए नए स्टोर ओपन कर रही है। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि विशाल मेगा मार्ट कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस करना चाहता है तो बिल्कुल सही बिजनेस है और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन और आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की जमीन है और आप खुद की जमीन के अंदर स्टोर ओपन कर रहे हैं तो आपकी कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। और दोस्तों यदि आप किसी सिटी के अंदर जमीन खरीद रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों जितना बड़ा स्टोर ओपन करेंगे उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और जितना छोटा स्टोर ओपन करेंगे उतनी कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीजों के ऊपर ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों आपको कंपनी को ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ती है, आपकी बिल्डिंग एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर सेट करवाना पड़ता है और आपको वर्कर हायर करने पड़ते हैं। इन सभी चीजों के लिए दोस्तों आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपको कंपनी को कम से कम 10 से 15 लाख रुपए ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और दोस्तों आपको बता दें कंपनी लोकेशन के हिसाब से ब्रांड सिक्योरिटी लेती है, तो दोस्तों इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों इसके बाद आपको अपनी बिल्डिंग एस्टेब्लिश करनी है और बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर सेट करवाना है। तो दोस्तों सभी चीजों को मिलाकर यदि आपके पास 30 से 40 लाख रुपए है तो आप आसानी से विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपना एक अच्छा सा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यदि आप बहुत बड़ा स्टोर ओपन कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए और किस लोकेशन पर होनी चाहिए। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो जमीन आपके स्टोर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आप बड़ा स्टोर ओपन करेंगे तो आपको ज्यादा जमीन की रिक्वायरमेंट होगी और यदि आप छोटा स्टोर ओपन करेंगे तो आपको कम जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन दोस्तों कंपनी एक मिनिमम लिमिट देती है कि आप इससे छोटा स्टोर ओपन नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक बिल्डिंग एस्टेब्लिश करनी है और अपने कस्टमर को पार्किंग के लिए जगह देनी है। तो दोस्तों दोनों चीजों के लिए आपको अलग अलग जमीन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप कम से कम 3,000 से 3,500 स्क्वायर फीट के अंदर अपना स्टोर एस्टेब्लिश करेंगे और कम से कम 500 से 700 स्क्वायर फीट अपने कस्टमर को पार्किंग के लिए जगह देंगे। तो दोस्तों दोनों चीजों को मिलाकर यदि आपके पास 4,000 से 4,500 स्क्वायर फीट जगह है तो आप आसानी से विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपना एक अच्छा सा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो कंपनी कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट चेक करती है और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चेक करती है। दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके पास अपना राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और दोस्तों कुछ अदर डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको कंपनी से पता चलेंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी मांगती है। और दोस्तों आपके पास अपने स्टोर का जीएसटी नंबर होना जरूरी है। दोस्तों जीएसटी नंबर के बिना आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं कर सकते। और दोस्तों प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस के साथ होने चाहिए। और यदि आप जमीन लीज पर ले रहे हैं तो आपके पास उस जमीन का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए और एनओसी होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अच्छी सी जमीन होनी चाहिए सही लोकेशन पर और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी आप विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप विशाल मेगा मार्ट फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं।
जैसे ही दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको इनका अच्छा से इंटरफेस दिखाई देगा और सभी प्रोडक्ट जो भी कंपनी बिजनेस करती है जिस प्रोडक्ट के अंदर सभी आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऊपर दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई देंगे मैन, वुमेन, बेस्ट डील और ब्रांड। ठीक है दोस्तों, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर कुछ भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन दिखाई देंगे और दोस्तों नीचे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है दोस्तों, आप उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको कंपनी का एड्रेस दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों कॉन्टैक्ट फॉर्म का। दोस्तों आप कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही दोस्तों आप कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म के अंदर दोस्तों आपको सभी डिटेल भरनी है और अच्छे से भरनी है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो भी डिटेल आप भरेंगे सभी डिटेल कंपनी के पास जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट यानी किसके लिए आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कस्टमर सर्विस, बिलिंग इंक्वायरी, डिलीवरी क्वेश्चन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और सजेशन। ठीक है दोस्तों, नीचे ऑप्शन दिखाई देगा एक अदर का। ठीक है दोस्तों, अदर के ऊपर आप क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है और उसके बाद अपना लास्ट नेम भरना है। फिर दोस्तों आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है और फिर कॉन्टैक्ट फोन भरना है, आपका मोबाइल नंबर भरना है आपको। फिर दोस्तों ऑर्डर ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं वरना दोस्तों इसको आप खाली छोड़ दें। फिर दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन और दिखाई देगा कमेंट का। इसके अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी जानकारी देनी है और आपको कंपनी को यह बताना है कि आप कंपनी से किस लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। फिर दोस्तों आप एक बार पूरा फॉर्म चेक कर लें कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो सही है। यदि सभी डिटेल सही है फिर दोस्तों आपको एक साइड में सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें और आपकी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास चली जाएगी। दोस्तों ऐसे आप विशाल मेगामार्ट फ्रेंचाइजी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको फॉर्म फिल करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना दोस्तों, हम आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा देंगे। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन और भी है रजिस्ट्रेशन करने का। यदि आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन ना हो या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने में तो दोस्तों आप बैक करेंगे तो आपको इनका पूरा एड्रेस दिखाई दिया है। ठीक है दोस्तों, इस एड्रेस के नीचे दोस्तों इनका फोन नंबर दिया गया है। दोस्तों आप इस फोन नंबर के ऊपर कॉल करें और जब दोस्तों आप कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपसे वहां कुछ जानकारी मांगी जाएगी आपकी, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपकी लोकेशन या पिन कोड, ऐसे दोस्तों आपकी कुछ डिटेल मांगी जाएगी और वहां से आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। दोनों तरीके से दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और विशाल मेगामार्ट की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप विशाल मेगामार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन के बारे में आपको कंपनी से पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों जब हमने इनके कॉन्टैक्ट नंबर से इनसे कॉन्टैक्ट किया तो कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट का यही कहना था कि आपको जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप यानी फ्रेंचाइजी दी जाती है उस टाइम आपको सभी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अच्छे से बता दिया जाता है कि किस प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट मार्जिन दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप विशाल मेगामार्ट की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपना एक अच्छा सा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्टक्रे से इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।